खंडितर थारे सर्वभारतीय 68तम ग्रेड ए कबाडी प्रतियोगिता जो चली देखुए प्रत्येक दिन मैच चली आज तृतीय दिन में खेल चली सीधा सड़क आगे आलोचना करवा जो खेला अच्छा सीधा सड़क देखिए ये खेल चली खंडितर आम देखु पूरा गोटे राज्य आ राज्य बाहर आसमती रही खेल ए लाभ कौन हो ये खेल को आपड़ केमी देखते हैं क्रीडाविद हिसाब से नमस्कार मो ना रश्मिता साहू एटा तो बहुत वर्ष होगी ये पिला नेशनल इंटरनेशनल सब खेले मुझे ये बहुत दिन है प्राक्ट कर माने बाहर भी आउट ऑफ स्टेट रु टीम भी आउट ऑफ इंडिया प्लेयर भी प्रो कबड्डी प्लेयर भी आउ लाभटा कौन ओडिशा रु बहुत प्लेयर नेशनल खेलिकी निजे को पुलिस रे भल भल माने कंपनी किए जो रेलवे सबुथे जॉइन कर कबड्डी खेलिकी कबड्डी कहले माने लाभ बोलिका बहुत किछि अछि जीए ताक उपयोग करा सी तार मानते जी दिन रात 24 घंटा मेहनत कला कबड्डी खेल की मुझे आज ओडिशा पुलिस रे सब इन्स्पेक्टर अच्छी मोपाई तो बहुत बेनिफिट हो जो खंडितर में प्रत्येक वर्ष अनुषित ये 68तम वर्ष में पहुँचला ये जो जाजपुर कबाडी एसोसिएशन रही परिचालना करूँ गोटे कथा से कहते जे ये राज्य बाहर जो खेला आसुँच आम राज्यर अनेक खेला आदर अनेक किसी शिखुं आज दिन में आज देखते प्रो कबाडी सारा देश में नुहे पूरा सारा वर्ल्ड में ख्याति अर्जन कर सारे तो यू केमती जी से जे खेला हिसाब से कौन कह सेमती तो यहाँ ओडिशा गवर्नमेंट करशार भी प्लेयर प्रो कबाडी मुझे निजे खेली प्रो कबाडी आमर कटक रू भी पिला खेली यहीटा तो 68 बस एमती टूर्नामेंट आम जो बड़ बड़ टूर्नामेंट होम ओडिशा रे यू पिला आसिक भी कोच मैंने भी आउट ऑफ स्टेट रू आस इंडिया कोच मैंने भी आसम नहीं मैंने से मैंने चाहिए पिला पिला भी मेहनत कले निश्चिंत प्रो कबाडी पहुँच पारे कौन कह ओडिशार जो खेला रही आज डेट में आपड़ कहते मु कबाडी खेलिकी आज यही स्थान में पहुंची अनेक पिला अच्छा जो मैंने क्रिकेट प्रति उत्साहित तो होती हॉकी प्रति उत्साहित तो होती किंतु यही सब खेल प्रति उत्साहित से होना सेमती तो ना कबाडी सब गेम एवं सेम जमी मुझार जा खेली वर्ल्ड कप खेली गोल्ड मेडल पाई सेमती आहरी भी पिला अच्छा नेशनल खेल की पाना कबाडी हॉकी की ये इंपोर्टेंट आजिकल आजिका स्टेज क्रिकेट हॉकी जी इंपोर्टेंट कबाडी की भी लोक मैंने बहुत देखते हैं सब ग्राउंड रे पिला पूरा भर्ती यही खंडितर ये भी खेलु बहुत पिला प्राक्ट आस टाइम कोच मैंने भी बहुत मेहनत करुचार कबाडी भविष्य बहुत भल अच्छे आम स्टेज एवं तो ओडिशा जाइला क्वार्टर फाइनाल क्वार्टर भी आम भी खेलिकी आसू भल भी ओडिशा पोजिशन भी भल अच्छी ना बोली आम कहीपरने किसी समय पूर्व कथलु जो ये सरकार किसी प्रोत्साहन मिलता हूँ तो ये अधिक भल खेली पारे कारण जहाँ कबाडी एसोसिएशन करुच्ची ट्रेनिंग दौर फ्री ट्रेनिंग दौर कि अधिक केमती हो पार अन्य राज्य जमी हो आमर तो ये पार कारण आम ओडिशा भी बहुत एनआईएस कोच अच्छा द्वारा माने लेखिकी आम देवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा जे आमको एनआईएस कोच दरकार भल भल प्लेयर आम जाजपुर बाहरी पारे एनआईएस कोच आम ओडिशा गवर्नमेंट में बहुत अच्छा मगेले आम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेखिकी देकी आम ओडिशा रु मगे पार बर्तमान खेल विषय कौन करेंगे जो दुई टीम बर्तमान खेलुँच एबे तो कौ कौ टीम खेलु जानी ए तो भल मैच चली इवनिंग रे भी आहरी भल मैच हम आमर भी इवनिंग रे सेमीफाइनाल मैच अच्छे झील मान हम काली भी फाइनाल सेमीफाइनाल भी अच्छी भल भल मैच भल भल टीम भी आसी भल मैच हम निहाती आम सहित ओडिशार जो खेला आप देखिए आप कहाँ से आए हैं अभी क्या कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे मतलब जो जो टीम आए हैं ओडिशा के बाहर में ओडिशा के अंदर में ये आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो खंडितर में जो जाजपुर कबड्डी एसोसिएशन जिसने जिस तरह प्रिपेरेशन किया है वो कैसे लगते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पर बेसिकली उड़ीसा की टीम है और गर्ल्स बॉयज़ के ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रही है और गर्ल्स की तो बाहर से दो तीन ही टीम आई है एक हमारी वेस्ट बंगाल की और एक छत्तीसगढ़ की शायद टीम आई होगी बस यही टीम आई है बाकी सारी है उड़ीसा की ही टीम है आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पे उड़ीसा के साथ खेल रहे हैं उड़ीसा में आए हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर खेल कर कि इतने बड़े ग्राउंड पर हम लोग खेल रहे हैं इतने अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है जो खेल चल रहा है अभी क्या जो बहुत अच्छा ही चल रहा है सर यहाँ पर रेफरी जो है वो बहुत अच्छे डिसीजन दे रहे हैं ये बात की सबसे अच्छी खुशी हमें कि बहुत जगह होते हैं ना जो रेफरी अपने स्टेट की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर हम अगले साल भी आए थे हमारी टीम अगले साल भी चैंपियन हुई थी बट ये चीज़ नहीं था कि रेफरी जो हमारी होम टीम की सपोर्ट करे ऐसा नहीं था रेफरी बोथ साइड इक्वल ये थे आम सहित कलिकतार प्लेयर आम अर्गानाइजर मानक प्रतिक्रिया नवा तापर पुनर्व से पाक जावा देखिए
आम देखुचु दर्शक बहुत मात्रा अच्छा खरा अधिक मात्रा होती किंतु प्लेयर मन भितर जो इच्छा देखुचु से खरार खेलुंट कौन सब व्यवस्थित ढंग से करवस्था निश्चित भाव में देखो ये 68तम सर्वभारतीय कबड्डी तेणु आम ये जिनस ये करसोसीएसन तरफ समस्त प्रकार सुविधा सुजोग आम जोगे चलचु और निश्चित भाव में ओडिशा सरकार कथे आम गोटे प्रस्ताव भी रखीचु आप गोटे कानोपी करने जोटा कि संपूर्ण भाव में इंडोर स्टाडियम व्यवस्था हो पार और क्रीड़ा विभाग निश्चित भाव में दृष्टिपात कर सहायतार हाथ बढ़े आम प्रतिश्रुति जदि संपूर्ण भाव में पाइन कि निश्चित भाव में विचार करुच्छे क्रीड़ा विभाग ये यापर जेहेतु ये कबड्डी एंतुड़ीशाला कबड्डी एंतुड़ीशाला हूँ खंडितर और एंतुड़ीशाला आपणकर आज की 68 वर्ष है 68 वर्ष है आम खेल कर चलचु बर्तमान तृतीय पीढ़ी आपणकर प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी जाए आम आ तृतीय पीढ़ी में पढ़ु आम बुढ़ापा मैंने खेल आरंभ करते बापा मैंने खेल आगे बढ़ई शेष में आम पीढ़ी में आम मैंने ये खेल को आगे नहीं चु बर्तमान मु गत 12 वर्ष धरी आसोसीएसन सहित जड़ित अच्छी जदिव मुझ सुदूर दिल्ली में कम कै मु मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स काम कै कि ये रजपाई ही केवल छुट्टी नहीं मुझे आसी मत जो अतिथि मान सेवाई मुझ निजक मत नियोजित करश्चित भाव में जो अतिथि मैंने आसवे सांबादिक आसवे से सब सुविधा सुजोग मोर दायित्व गोटे जिनस आम देखु आप प्रत्येक खेल अपडेट सठिक भाव में दौरान तो बर्तमान सुधा के मैच खेल सर संपूर्ण केतटा टीम भाग नहीं बाहर केतटा टीम आई ये जो जितेबाला खेल शेष हम फाइनाल मैच को जी फाइनाल मैच में जो मैंने उत्तीर्ण हे से कौन कौन सब व्यवस्था कर ठीक अच्छे आपंकर बर्तमान सुधा संपूर्ण भाव में जो पुरुष और महिला विभाग को निया जाए 26 टीम आम से आपंकर महिला विभाग में 10 टीम और 16टी हूँ आप पुरुष विभाग टीम और 16टी पुरुष विभाग भितर आपंकर बाहर आसी 6टी टीम बाकी 10टी टीम आम ओडिशा भितर और महिला विभाग में बाहर आसी 2टी टीम जमीक बर्तमान आम शुणिले गोटे वेस्ट बेंगल आ गए छत्तीसगढ़ बाकी 8टी टीम ओडिशा आमर जो टीम बर्तमान ये पुरुष विभाग के चंपियन हम तापाई आम आसोसीएसन तरफ आम कैश प्राइज रखा है 1 लाख टंका भारतीय मुद्रा राशि 1 लाख टंका और महिला विभाग के जो चंपियन हम तक रखा है 25,000 टंका स्पेशल डिक्लेरेशन कर रुचि जे कि आम शरद कुमार साहू प्रेसीडेंट अच्छा ओडिशा कबड्डी आसोसीएसन गत काली आम हस्तगत होता स्पेशल कैश प्राइज रखी जदि कौन ओडिशा पुरुष विभाग टीम चंपियन हुए तापाई गोटे स्पेशल कैश प्राइज 50,000 टंका आज जदि महिला विभाग के कौन ओडिशा टीम चंपियन हुए ताल तांकु कैश प्राइज 25,000 टंका दिया जिवो आसंता आज 3 दिन मैच पड़ी आउ केते दिन खेल एवं शेष केत खेल समाप्ति केत घट ये जो फाइनाल मैच खेल फाइनाल मैच पर आपंकर कौन कौन सब व्यवस्था रही केमी करेंगे निश्चित भाव में आपंकर देखते बर्तमान सुधा ये जो आपंकर ग्रीष्म रौद्रताप आम समस्त अनुभव करें सका 8टू खेल आरंभ कर दिन 11टा सुधा खेल बंद करने चेस्टा करमी क्या आपंकर संस्ट्रोक न हो प्लेयर मानक कौन शारीरिक क्षति न हो पुनर्बार आम संध्या 5:30 4 घटिकार खेल आरंभ करुच्छे राति 12टा गतकाली मध्य राति 12टा पर्यंत खेल जारी रखिथिलु आज लीग पर्याय आम चेस्टा करुच्छे लीग पर्यायर समस्त मैच राति 12टा सुधा शेष करिवु एवं शेष करला आसंता काली प्रतिवर्ष भली आसंता काली मध्य आम संध्या 7 घटिकार आम जो फाइनाल मैच हुए यहाँ आम पूर्व निर्धारित आम मुख्य अतिथि अच्छा ओडिशार क्रीड़ा मंत्री श्रीयुक्त तुषारकांति बेहरा मध्य तेणु निश्चित भाव में संध्या 7 घटिकार आम फाइनाल मैच हम तापाई कौन आम मन भितर कौन दुविधा नहीं निश्चित भाव में आम राति गोटे हेले भी खेल सारू दर्शक मानी कौन व्यवस्था करण आम देखु खरा समय भी अनेक दर्शक रोचार प्लेयार मैंने खेलुंत समस्त व्यवस्था केमती कर दर्शक मैंने प्राय 11टा बेले आम दिन में खेल सर जाटा पर दर्शक पाख आग दर्शक मैंने घर को पलाती आउ जो मैंने दूर दूरा आसने आमर ये मेस अच्छी से मेस प्लेयर खाद्य हो जो मैंने दूर दूरा आसी आम खाद्य व्यवस्था रखीचु अल्प किसी लोक आउ से आम स्कूल घरे आश्रय भी नि मझे जो 3-4 घंटा आम रेस्ट नुए से स्कूल घरे भी जाए आश्रय निम खाद्य भी हाँ से खाद्य व्यवस्था कर ये देखुवे आप पूरा दर्शक आम देखा चाहिए पूरा दर्शक माहौल सेमती रही हे तो खरार ताती अधिक थपे कि बर्तमान जो मैच टी चली उत्तर प्रदेश सहित पूरीर ये सीधा सड़क दृश्य आम देखु दर्शक मैंने बर्तमान बसिक खेल को सेक उपभोग करण बर्तमान समय जो प्रकार भाव में खरार गरम रही सहित गोटे प्रकार कहुच्ची जो आयोजक पक्षर कहुच्ची गोटे रू 2-3 मैच करके बंद करण गोटे प्रकार जो कबड्डी खेल रही निहाती पके एक शारीरिक
ପରିଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭର୍ସେସ୍ ପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିମାନେ କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାରଣ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋ କବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ବି ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ହସ୍ତଗତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରୋ କବାଡ଼ି ଖେଳିବାର ପ୍ଲେୟାର ନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଯେଉଁ କବାଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର କବାଡ଼ି ଆସୋସିଏସନ୍ ଖଣ୍ଡିତର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଯେଉଁ ରହିଛି କବାଡ଼ି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରୋ କବାଡ଼ିକୁ କିପରି ଅନେକ ପ୍ଲେୟାର ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।